प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे कि जो शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश का अर्थ है शब्दों के अंश, शब्द नहीं, शब्दों के अंश मात्र। जब धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप धातु है, जैसे पठ धातु और पठ से फिर क्रिया बनी पठती, क्योंकि उसमें ती प्रत्यय लगा, तीत अंति सीत थ आमी आव आम, इस प्रकार के प्रत्यय जब धातुओं में यानी क्रिया के मूल रूप में लगकर जब क्रिया बनते हैं तो यह कहता है कि शब्दांश शब्दों के अंश धातुओं यानी क्रिया के मूल रूप में और शब्दों के पीछे जुड़कर जब विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, इनसे बनता एक नवीन शब्द है। इसने एग्जाम्पल दिया है कि पठ प्लस कत्वा। अब ये पठ क्या है, पठ है क्रिया का मूल रूप, क्योंकि क्रिया जब हम बनाएंगे तो इस धातु में प्रत्यय हमें लगाने पड़ेंगे। जब पठ में ती प्रत्यय लगता है तो पठती बन जाता है, तो इस प्रकार से पठ यहां धातु है और इसमें शब्दांश कौन सा लगा, कत्वा, तो क्या बना, पठित्वा। उसी प्रकार से गम, गम धातु है और अनियर प्रत्यय लगा। अनियर क्या है, ये शब्दांश है, अनियर का खुद का कोई अर्थ नहीं है, तो इस प्रकार से गम प्लस अनियर क्या बना, गमनीय। प्रत्यय जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में टाप, गीप, ये स्त्री प्रत्यय है। जैसे कोई भी नाम है और उसके पीछे आपने स्त्री प्रत्यय लगा दिया तो अब वो जो नाम है वह स्त्री का नाम बन जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय कौन से हैं और कृदंत प्रत्यय कौन से हैं, यह आपको आगे अध्ययन करवाते हैं। कृदंत प्रत्यय जब धातुओं से, कृदंत प्रत्यय हमारे धातुओं के पीछे लगते हैं यानी क्रिया के मूल रूप के पीछे लगते हैं, फिर जब वो धातु के पीछे लगते हैं तो जो नया शब्द बनता है वह या तो संज्ञा होगा या फिर वो विशेषण बनेगा या फिर वो क्रिया विशेषण बनेगा। यह कहता है कि धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत प्रत्ययों के मुख्य निम्न प्रकार हैं। अब आपको पता लगा कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, जब धातुओं के पीछे ये लगते हैं, कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसके पीछे लगते हैं, यह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं, जबकि कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगते हैं और उससे संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उससे बनाए जाते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं कृदंत, वर्तमान काल का प्रत्यय, स्त्री और शानच। स्त्री और शानच जो है यह वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं। भूतकालिक प्रत्ययों में कौन सा आता है, कत और कत्वतु। कृत प्रत्यय में आता है तव्यत और अनियर। तुमुन प्रत्यय जो है के लिए अर्थ होता है, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, जैसे पठ के साथ अगर तुमुन लगाया तो बना पठितुम, पढ़ने के लिए, ये के लिए अर्थ देता है तुमुन प्रत्यय। और पूर्वकालिक, पूर्वकालिक का अर्थ है जैसे मैं पढ़कर आया, तो आया बाद में क्रिया है और उससे पहले क्या था, पढ़कर, पढ़ना पहले हुआ, पढ़ने के बाद में वह आया, तो यह पूर्वकाल की क्रिया बन गई पढ़कर। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक जो प्रत्यय है वह बनता है कत्वा यानी करके, और ल्यप, ये करके अर्थ में है, ल्यप का भी अर्थ करके है और कत्वा का भी अर्थ करके है, ये पूर्व काल को प्रदर्शित करते हैं। वह स्नान करके स्कूल में गया, तो गया तो उसकी बाद की क्रिया है,
लेकिन पहले क्या किया, स्नान किया। तो इस प्रकार से जो क्रिया हम बोल रहे हैं कि मैं देखकर या सोचकर बोलता हूं, तो बोलता है क्रिया बाद की है, लेकिन पहले की पूर्वकालिक कौन सी, सोचकर। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक समय को प्रदर्शित करने के लिए कत्वा और लेप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और दोनों का अर्थ होता है करके, और फिर उसके बाद की कोई और क्रिया आती है। तो इस प्रकार से आपका क्रिदंत और तद्धित और स्त्री ये तीन प्रत्यय हैं। क्रिदंत जो है धातुओं के साथ लगता है, तद्धित संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है, और स्त्री प्रत्यय जो है उस शब्द को स्त्री बना देता है। टाप और गीप, टाप का आ बचता है, गीप का ई बचता है। ई और आ लग करके आपको पता है कि कोई भी नाम जो है वो स्त्रीवाचक बन जाता है। तो इस प्रकार से आज हम कत्वा प्रत्यय यानी करके वाला और तुमुन के लिए इन दोनों का जो है अध्ययन करेंगे। पूर्वकालिक प्रत्यय कत्वा, कत्वा का त्वा शेष बचता है, यह कहता है इस प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में। और फिर इसने कहा सेट, सेट का अर्थ होता है जिसमें ई की मात्रा लगी हो। वह अनिट, अनिट का अर्थ ई से रहित धातुओं से किया जाता है। अब धातु में तो यह कत्वा प्रत्यय लगता ही है, एक बात। दूसरा कत्वा का अर्थ करके हो जाता है। तीसरा यह पूर्वकालिक प्रत्यय का भाग है। फिर इसने कहा कि यह किसमें लगता है, सेट से युक्त। सेट का अर्थ है जिस धातु में ई की मात्रा लगी हो, यह ध्यान रखना। सेट का अर्थ ई से युक्त, और अनिट ई से रहित धातुओं से किया जाता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, यह ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख धातुओं के कत्वा प्रत्यांत यानी अंत में जिनके कत्वा लगा है उनके उदाहरण देखिए, यहां से आपको यह अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो पठ क्या है, धातु, और यह सेट अर्थात ई से युक्त अब नहीं है, लेकिन अनिट ई से रहित, तो ई इसमें नहीं है, तो यह अनिट धातु आप कह सकते हैं। तो यह कहता है कि पठ धातु और इसमें कत्वा प्रत्यय किया, और कत्वा का क्या बचा, त्वा शेष। ये देखिए त्वा, तो शब्द बना पठित्वा और अर्थ हो गया पढ़कर, मैं पढ़कर आया। तो पहले आने से पहले कौन सी क्रिया हो गई, पढ़ना। तो पढ़कर ये कर अर्थ में प्रयोग होता है, और पूर्वकालिक जो क्रिया पहले हुई है उसमें। ग्रह प्लस कत्वा क्या बना, गृहित्वा। कई बार हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन आता है ग्रह प्लस कत्वा, गृहित्वा भी आता है, ग्रह हुत्वा भी आता है। अब आपको करेक्ट पकड़ना है गृहित्वा, ग्रहण करके। स्थापलस्कत्वा स्थित्वा ठहर कर। हसपलस्कत्वा हसित्वा हंसकर। चलपलस्कत्वा चलित्वा चलकर। क्रीडपलस्कत्वा क्रीडित्वा खेलकर। चुर चुरपलस्कत्वा चोरयित्वा चुराकर। अब तुमुन की बात करें तो तुमुन प्रत्यय तुम के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ बताने के लिए किया जाता है, और इसका तुम शेष रहता है। जैसे कत्वा का त्वा शेष रहा, तो तुमुन का तुम शेष रहता है। इसका प्रयोग सेट अर्थात ई से युक्त व अनिट ई से रहित दोनों धातुओं से होता है, जिसमें ई की मात्रा हो और ई की मात्रा ना हो, ऐसी धातु सब में इसका प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय की तरह होता है। अव्यय का अर्थ है अविकारी रूप से अव्यय, जो नष्ट ना हो, अर्थात जिस पर लिंग वचन क्रिया काल का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, उस प्रकार का शब्द निर्मित हो जाता है। अतः इसके रूप नहीं बदलते हैं। कुछ प्रमुख धातुओं से तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देखिए। पठ क्या है, धातु, वहां कत्वा प्रत्यय लगा था, यहां लगा है तुमुन प्रत्यय। शब्द बना पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। खाद, खाद धातु है, इसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाया, शब्द बना खादितुम और अर्थ बन गया खाने के लिए। फिर आगे है हस, और तुमुन प्रत्यय हसितुम,
हंसने के लिए। उसी प्रकार से भक्ष और तुमुन प्रत्यय भक्षयितुम खाने के लिए, भू प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, रच प्लस तुमुन रचयितुम रचने के लिए, कथ प्लस तुमुन कथयितुम कहने के लिए, चुर प्लस तुमुन चोरयितुम चुराने के लिए, चल प्लस तुमुन चलितुम चलने के लिए, धाव प्लस तुमुन धावितुम दौड़ने के लिए, अनिट पा, अनिट का अर्थ है ई से रहित, अब पा में कोई ई की मात्रा नहीं है, पा प्लस तुमुन पातुम पीने के लिए, दा प्लस तुमुन दातुम देने के लिए, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम जानने के लिए। यह ज्ञा हम बोलते हैं वैसे यह ज्ञा होगा, ज और यह शुद्ध है। गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपकी कत्वा पूर्वकालिक क्रिया के लिए, जिसका अर्थ आपने पढ़ा करके होता है, और आपका यह तुमुन अर्थात के लिए, आपने इन दो प्रत्ययों को पढ़ा, इन्हें अच्छी प्रकार से लिखें, याद करें। कृदंत तद्धित और स्त्री तीन प्रत्यय होते हैं। कृदंत धातुओं के साथ लगकर चलता है, तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर चलता है, स्त्री प्रत्यय स्त्री शब्द बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार से यह दो प्रत्यय आप अच्छी प्रकार से कंठस्थ करें व इनको समझें। इनके अन्य उदाहरण भी आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।